फर्क होता है, मतलब काफी अच्छे तरीके से बैठे हुई रहती है। और ये कैसे है, ये बरेली की है, देखो सामने से में ये बरेली की रहने वाली है, माहौल भी लगी हुई है। और ये समझ लो कितना अच्छा प्रिंट रहने वाला है, शाइनिंग मार रहा है। और ये शीशु की सौ रहने वाली है। और ये देखो भी इस तरीके से आप इसको 10 रुपए की सेल कर सकते हो, ये बरेली का अच्छा। बाकी देखो इस तरीके से ये वाला चेकआउट कर रहे हो, ये कौन सी है, ये कैसे, बहुत कलर्स अवेलेबल होते हैं, चेस्ट टाइप से है। और भी देखो मतलब बढ़िया बढ़िया प्रिंट्स की हैं, बहुत अवेलेबल जाएंगी, टाइम तो बहुत ही मिलने वाला है, डिजाइन की कमी नहीं है, कलेक्शन यहाँ पर भी है, बात पौना रहने वाला है। देखो इस तरीके से ये कलेक्शन चेकआउट कर रहे हो, ये 20 रुपए का भी जाएगा, अभी 20 रुपए का सॉरी, मतलब कलर भी काफी प्यारा है और इसमें और भी डिजाइन अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी देखो इस तरीके से जो फैंसी प्रिंट आ रहे हैं ना, मतलब टेक्स्ट प्रिंट है और बढ़िया बढ़िया प्रिंट्स आ रहे हैं, वो 450। तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू ब्लॉग। आज मैं आ चुका हूँ जाफराबाद में और यहाँ की एक बेस्ट काइट की शॉप कवर करने वाला हूँ, जो कि अगर आपको होलसेल में पतंग परचेज करनी है सस्ते प्राइस में, बढ़िया बढ़िया आपको बढ़िया बढ़िया क्वांटिटी चाहिए, तो सामने से मैं चेक करो कितना सारा कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल रहने वाला है। आज मैं हुआ हूँ असलम भाई पतंग वाले, जो कि देखो सामने साइड में ईदगाह है और ईदगाह के पास में ही ये सामने साइड में ये शॉप रहने वाली है। काफी अच्छा कलेक्शन यहाँ पे पतंग में मिलने वाला है, तो क्या क्या कलेक्शन मिलने वाला है, पिन्नी में और पतंग किस तरीके से रहने वाली है, किस प्राइस रहने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप के ब्लॉग्स आपको इस चैनल पर डेली देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस शॉप पर अगर आप आना चाहते हो तो नियर बाई जो मेट्रो स्टेशन है, सामने स्टेशन में जाफराबाद का, जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ये मार्केट है। सामने स्टेशन में आओगे तो ईदगाह पड़ेगी और ईदगाह की जस्ट सामने स्टेशन में देखो पूरी शॉप रहने वाली है। और शॉप का नेम है असलम भाई पतंग वाले, सामने स्टेशन में देखो नंबर भी मेंशन है, बाकी मैं डिस्प्ले भी चला दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। होलसेल बिकता है, सबसे पहले आप कलेक्शन चेकआउट करो कितना सारा कलेक्शन है, मतलब पतंग देखो कागज की कितनी सारी पतंग अवेलेबल होने वाली है, पिन्नी में आपको चाहिए लेटेस्ट लेटेस्ट ट्रेंडिंग आपको डिजाइन अवेलेबल होने वाले हैं। बाकी और भी देखो कलेक्शन कितना सब रहने वाला है, मतलब कलेक्शन की कमी नहीं है, भंडार भाई बहुत सारा है, ठीक है। तो कलेक्शन हमने निकलवा लिया है, क्या प्राइस देने वाला है वो सब भाई से कंफर्म कर लेंगे। तो भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भैया क्या नाम है आपका, अक्रम, तो अक्रम भाई है। और देखो कलेक्शन रहने वाला है, बाकी आपके पास मतलब चरखे वगैरह सब कुछ है ना, चरखी वगैरह जो मांझे वगैरह सब मिलने वाला है ना, तो सब मिलने वाला है। चलो भी चेकआउट कर लेते हैं। देखो इस तरीके से हमने डिस्प्ले में पहले निकलवा लिया कि क्या क्या कलेक्शन मिलने वाला है, क्या क्या प्राइस है वो हम भाई से बैठे आराम से कंफर्म कर लेते हैं। तो भैया सबसे पहले कुछ डाउट क्लियर कर लेते हैं, भैया आप होलसेल में डील करते हो या रिटेल में करते हो, ओनली होलसेल है, ओनली होलसेल में रहने वाला है। तो इस तरीके से कलेक्शन रहने वाला है, बाकी प्राइस कितने रुपए से स्टार्टिंग होने वाली पतंग में, 80 पैसे से, 80 पैसे से मतलब 80 रुपए की 100 पतंग बनने वाली है। तो चलो भैया दिखा दो कैसे कैसे पतंग रहने वाली है। तो सबसे पहले देखो अभी पिन्नी में देख रहे हैं और इस यहाँ से स्टार्टिंग रहने वाली है। और इतने पतंग देखो कलेक्शन मतलब पिन्नी में भी बहुत बढ़िया बढ़िया अवेलेबल रहने वाली है, डिजाइन भी हैं और अच्छा अच्छा कलेक्शन अवेलेबल होने वाला है पिन्नी में, वो आप चेकआउट कर लेते हैं। 80 पैसे की एक, 80 पैसे की एक है और 80 रुपए की 100, अच्छा मतलब 80 पैसे की परचेज करो और 2 रुपए की आराम से मिल जाएगी आपके माहौल के हिसाब से। बाकी ये चेकआउट करो इस साइज में रहने वाली है, 80 पैसे की एक है, 80 रुपए की 100 पड़ेंगी ये। बाकी इसमें भी डिजाइन मिलते होंगे ना बढ़िया भैया, कितने 4-5 आते होंगे ना, 10 कलर आते हैं, ओनली 10 कलर आते हैं, मतलब काफी ज्यादा आते हैं 10 कलर। बाकी ये चेकआउट करते हैं दूसरा, इससे थोड़े बड़ी साइज में 120 की ये 100 रहने वाली है, ये 3 रुपए की बिक जाएगी, तो ये 3 रुपए की आप सेल कर सकते हो इस टाइप से, ये आप चेकआउट करो। इससे बड़ा साइज है, अच्छा इससे बड़ा साइज रहने वाला है, कौन सा आदि बोलते हैं इसको, कौन से बोलते हैं, ये कौन सा साइज है, ढाई वाला साइज है, अच्छा ढाई वाला साइज ये रहने वाला है पिन्नी में। ये कैसे है, 150 रहने वाली है, 1.50 रुपए की, अच्छा 4 रुपए की बिक सकते हैं आराम से, 4 रुपए की आप इसे सेल कर सकते हो, ये रहने वाली है भाई। देखो इस तरीके से कलेक्शन है, बाकी और भी देखो और भी बढ़िया कलेक्शन रहने वाला है, ये 60 रुपए में, 180 की 100, अच्छा ये कार्टून प्रिंट रहने वाला है, 180 की 100 ही पड़ेंगी। इस तरीके से चेकआउट करो कलेक्शन ये है, कैसे भी 3 की बिकती है, अच्छा 3 की आप आराम से सेल कर सकते हो। इस तरीके से ये कलेक्शन है, इसमें भी डिजाइन आपको मतलब हर पतंग में 10 मिल जाएंगे ना, हर पतंग में 10 डिजाइन अवेलेबल हो जाएंगे। इससे बड़ा साइज आ गया, इससे बड़ा साइज आ गया, कार्टून प्रिंट है, 280 की 100 है, 280 की 5 जाती है, 5 रुपए की आप सेल कर सकते हो इस टाइप से, दिख रहे हो इसमें भी आपको 10 कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये चेकआउट कर रहे हो और भी देखो आप चेकआउट कर लेते हैं, पिन्नी में भी काफी अच्छा अच्छा कलेक्शन है ट्रेनिंग प्रिंट, ये झालर में, अच्छा ये झालर में रहने वाला है। बाकी इसमें भी ना देखो कार्टून प्रिंट है, बाकी जो मतलब हीरो होते हैं सुपरस्टार होते हैं वो भी रहने वाले हैं, 350 की 100 रहने वाली है, 7 रुपए की आप आराम से सेल कर सकते हो। इस तरीके से झालर वर्क रहने वाला है, बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें डिजाइन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मेटल में अच्छा ये मेटल में, इस तरीके से जो शाइनिंग वाली चल रही है ना वो आपको मिलने वाली है, इसमें पूछ इस टाइप से है। बाकी देखो भी कलर इसमें बहुत सारे अवेलेबल होने वाले हैं, चिकनी कलर है, 350 की 100, ये भी 350 की 100 रहने वाली है, 7 रुपए की आराम से इसको आप सेल कर सकते हो, ये कलेक्शन चेकआउट कर रहे हो। ये कैसे है, ये 300 की 100 है, ये भी मेटल में है,
जी भी मेटल में रहने वाली है। इस तरीके से ये 300 रुपए की शॉप पड़ने वाली है, 5 रुपए के आराम से सेल कर सकते हो। इस टाइप से है और पूछ भी है, मतलब लुक भी काफी प्यारा है ना, इसमें कलर्स मिल जाएंगे आपको अवेलेबल। ये कौन सा, 3 तारी? तारी, अच्छा 3 तारी में, मतलब 3 तार होते हैं ना, छतरी बोलते हैं इसको। अच्छा छतरी बोलते हैं, मतलब अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग नाम है भाई ना, अलग अलग नाम है। देखो इस तरीके से ये डिजाइन मिलने वाले हैं, देन ये डिजाइन आप चेक करो। ये 800 रुपए की सौ है, मतलब 8 रुपए की एक पड़ने वाली है, 20 रुपए की आराम से आप सेल कर सकते हो। इस टाइप से चेकआउट करो, कितना प्यारा लुक है भाई। देखो अब तक मैंने जितनी मार्केट दिखाई ना, वहाँ पे तो मिली नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ये अवेलेबल हो रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में। इस तरीके से ये चेकआउट करो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया इसमें कलर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये उससे बड़ा साइज है ना, मेटल में। अच्छा मेटल में, देखो आईज बनी हुई है इसमें। इस टाइप से ये भी जैकेट को देखो, कितना प्यारा कलर ये भी रहने वाला है। कैसे भी है, 1000 रुपए की सौ, मतलब 10 रुपए की एक पड़ने वाली है, 30 की भी जाएगी आराम से भी, 30 रुपए की इसको आप सेल कर सकते हो। इस टाइप से ये आप चेकआउट कर। तो चलो भाई अब चेकआउट कर लेते हैं कागज की पतंग, जो कि देखो यहाँ पर भी कलेक्शन हमने निकलवा लिया है, बढ़िया बढ़िया। तो चेकआउट कर लेते हैं कागज में कितने से स्टार्टिंग रहने वाली है। ये कागज की पतंग है, ये बिकती है 3 रुपए की। ये 3 रुपए की बिकती है, पड़ेगी आपको 1.60 रुपए, 1.60 रुपए की पड़ने वाली है। 3 रुपए के आराम से आप सेल कर सकते हो। इस टाइप से ये कलेक्शन चेकआउट करो, इसमें मतलब काफी ना डिजाइन आपको मिल जाएंगे अलग अलग कलर में। देखो कॉम्बिनेशन बढ़िया रहने वाला है। ये बिकती 4 रुपए की, ये 4 रुपए की बिकती है, पड़ेगी 2.5 रुपए की, 2.5 रुपए की पड़ेगी। आप 4 रुपए की सेल कर सकते हो, मतलब 250 रुपए की ये 100 पड़ेंगी। बाकी इसमें भी आपको डिजाइन अवेलेबल हो जाएंगे। इस टाइप से आप डिजाइन चेकआउट करो, बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन अवेलेबल हो जाएंगे। ये भी 250 में, अच्छा ये भी 250 के रेंज में है। देखो इसी में का दूसरा डिजाइन चाहिए ना, तो ये डिजाइन अवेलेबल हो जाएगा। बाकी ये भी उसी रेट प्राइस में रहने वाला है। तिरंगा आएगा, अभी तिरंगा चाहिए। देखो इस टाइप से प्रिंट में चाहिए, ये भी 250 में, अच्छा ये भी 250 में रहने वाला है। इस टाइप से ये 4 का बिक जाएगा आराम से ना, आराम से देखो 4 रुपए का आप सेल कर सकते हो। ये चेकआउट करो, इसमें आई लव माई इंडिया इस टाइप से टेक्स्ट हो रखा है, प्रिंट हो रखा है, वो आप देख सकते हो। देन और भी कलेक्शन चेकआउट कर लेते हैं। इससे बड़ा साइज है, 300 की 100 पड़ेंगी, 5 रुपए 5 रुपए की आराम से इसको सेल कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से ये चेकआउट करो। इसको क्या बोलते हैं पतंग को, इसे बोलते हैं ढाई वाला साइज, ढाई वाला साइज पौना है ना, पौन ताई। अच्छा पौन ताई, अच्छा देखो भी ये तो कलेक्शन है। बाकी आपके पास कहाँ कहाँ की पतंग मिलती है? ऑल इंडिया के, मतलब जो भी चल रही है सब तरह की, बरेली ले लो, मुरादाबाद, सभी तरह की मिलने वाली है। ठीक है, कलेक्शन है। बाकी ये क्या, ये कैसे थी भैया? 300, ये भी 300 की सौ। अच्छा 300 की सौ है, 5 रुपए की आराम से सेल कर सकते हो। बरेली, ये बरेली में है, देखो 350 की 100 पड़ने वाली है बरेली में। इस टाइप से ये कलेक्शन है, 5 रुपए की सेल कर सकते हैं, 5 रुपए की आप इसको सेल कर सकते हो आराम से। बाकी और भी चेकआउट कर लेते हैं। तुक्कल, इसको क्या बोलते हैं, तुक्कल। अच्छा ये तुक्कल में देखो इस टाइप से रहने वाली है, रॉकेट भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग लोकेशन पर भी अलग अलग रहता है। तो 380 रुपए की 100 पड़ने वाली है, 6 रुपए की आराम से बिक जाएगी ना, 6 के आराम से आप इसको सेल कर सकते हो। ये कलेक्शन चेकआउट कर रहे हो, मतलब कलर भी काफी प्यारा है और इसमें और भी डिजाइन अवेलेबल हो जाएंगे। इस टाइप से ये 400 में, ये 400 में देखो आइस का लुक चाहिए, हार्ट का लुक चाहिए, वो सब आपको डिजाइन मिल जाएंगे। 7 रुपए में आप सेल कर सकते हो। कितने की बताइए, 4 रुपए की, 4 रुपए की एक पड़ने वाली है। ठीक है, 400 की 100 है। बाकी देखो इस तरीके जो फैंसी प्रिंट आ रहे हैं ना, मतलब टैक्स प्रिंट है और बढ़िया बढ़िया प्रिंट्स आ रहे हैं, वो 450 की 100 मिलने वाली है और 450 रुपए की एक पड़ेगी। बाकी कितने की बिकेगी, 450 ये मतलब 6-7 की बजेगी ना, 7 रुपए की आराम से सेल कर सकते हो। इसमें ना बहुत सारे आपको डिजाइन मिलेंगे, रंगोली टाइप है, जो कि मतलब बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं ना, वो सारे आपको डिजाइन अवेलेबल हो जाएंगे। इससे बड़ा साइज है, उसी में का देखो, उसी डिजाइन का, ये बड़ा साइज में है। कैसे, 600 की 100 पड़ने वाली है। अभी लुक भी काफी अच्छा लग रहा है, 8 रुपए की आप सेल कर सकते हो। इस टाइप से कलेक्शन जगह कर रहे हो, बहुत ही प्यारा लुक है, मतलब स्टार टाइप से, और देखो ये मून बना हुआ है। ठीक है, ये उससे बड़ा तिरंगा है, ये उससे बड़ा तिरंगा ही आशुकर कर रहे हो। 550 रुपए की 100 पड़ने वाली है और इस टाइप से ये भी 8-9 रुपए की मिलेगी ना, 8 रुपए का आप इस तरीके से देखो ये सेल कर सकते हो। और साइज भी काफी बड़ा है और इस टाइप से ये आपको अवेलेबल होने वाले हैं तिरंगे में। उससे छोटा मैंने आपको पहले दिखा दिया था, वो मिला था ना, वो मैंने आपको दिखा दिया था, उसका प्राइस भी कन्फर्म कर लिया था, ये आपको मिल गई 600 की 100। ये 600 की 100 पड़ने वाली है। देखो इस तरीके से ये 10 रुपए की आप सेल कर सकते हो, मतलब कलेक्शन चेकआउट कर रहे हो। कितने सारे इसमें डिजाइन अवेलेबल रहने वाले हैं, मतलब कलर कॉम्बिनेशन काफी प्यारा अवेलेबल यहाँ पे रहने वाला है। तो अभी सामने से मैं नेक्स्ट पतंग रहने वाली है घुटी हुई, ये 600 की 100। इस तरीके से देखो, मतलब इसमें ना
वर्क होता है, मतलब काफी अच्छे इस तरीके से बैठे हुई रहती है। और ये कैसे है? 600 में, 10 रुपए की आराम से ले सकते हो, 600 रुपए की 100 पड़ने वाली कलेक्शन है। इसमें डिजाइन भी आपको अवेलेबल जाएंगे, मतलब कलर अवेलेबल जाएंगे, वो आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके से डिजाइन है और भी हम चेकआउट कर लेते हैं, और भी बढ़िया बढ़िया कलेक्शन है। पतंग तो भाई बहुत सारी है और बहुत सारे आपको यहाँ पे डिजाइन अवेलेबल होने वाले हैं। तो गुटी भी में देखो येलो वाली भी अवेलेबल है, मतलब आपको कलर की भी कमी नहीं रहने वाली, कलर आप चेकआउट कर सकते हो। ये बरेली की है देखो, सामने से ये बरेली की रहने वाली है, मोहर भी लगे हुए हैं, और ये 550 रुपये की शॉप रहने वाली है। 7 रुपये की आप सेल कर सकते हो इस तरीके से। इसमें भी आपको डिजाइन अवेलेबल हो जाएंगे बढ़िया बढ़िया, सभी में डिजाइन आपको अवेलेबल होने वाले हैं। और भी चेकआउट करते हैं, और भी बढ़िया बढ़िया कलेक्शन है। ये कैसे है? ये 700, ये भी गुटी हुई है देखो, 700 रुपये की शॉप रहने वाली है, 7 रुपये की पड़ने वाली है, गुटी हुई है। क्योंकि प्रिंट देख रहे हो कितना अच्छा प्रिंट रहने वाला है, शाइनिंग मार रहा है। और ये 7 की देते हो कितने तक की बिजली? 12 देगा, 10 रुपये की देखो, 10 रुपये की आप इसको सेल कर सकते हो, मतलब 3 रुपये का मार्जिन आपको आराम से मिल जाएगा। बाकी लोकेशन के हिसाब से आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी। 650 की सौ रहने वाली है। और ये देखो भी इस तरीके से आप इसको 10 रुपये की सेल कर सकते हो, 650 रुपये की पड़ेगी 100। ये कौन सी है भैया? ये बरेली का अड्डा भी देखो इस तरीके से आप चेकआउट कर रहे हो। ये 600 रुपये की शॉप आने वाली है, और ये भी 10 की बिक रही है, 12 की बिकती है। अच्छा, बरेली की है ना भाई, इस तरीके से तो 12 रुपये की आप आराम से इसको सेल कर सकते हो। और ये कलेक्शन है, मतलब आपको मतलब डबल का मार्जिन मिलने वाला है इस पर। बाकी देखो इस तरीके से ये वाला चेकआउट कर रहे हो। ये कौन सी है, ये कैसी है पतंग? 600, मतलब कौन सी उसमें डिजाइन वगैरह? पौने की तुक्कल है। इस तरीके से ये 600 रुपये की शॉप आने वाली है, और 10 रुपये की सेल कर सकते हो। बाकी इसमें डिजाइन ना काफी अच्छे लग रहे हैं, आईज में देखो रेड आईज है, और भी आपको मतलब आईज में ना कलर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी चेयर टाइप से आपको ये चाहिए ना, ये भी 600 में पड़ने वाली है। ये भी काफी अच्छा लुक लगता है देखने में, मतलब आपको ना बहुत कलर्स अवेलेबल आते हैं, चेयर टाइप से है। और भी देखो मतलब बढ़िया बढ़िया पेंट चाहिए, बहुत अवेलेबल हो जाएंगे। ये भी 600 रुपए की है ना, 600 की 100 पड़ने वाली है। और भी आपको अच्छे अच्छे पेंट चाहिए ना, तो देखो उससे बड़े साइज में ये अवेलेबल हो जाएंगे। आई लव यू मतलब गर्लफ्रेंड को सेल करना दिखाना चाहते हो, भेजना चाहते हो, तो ये अवेलेबल हो जाएगी। बाकी देखो इस तरीके से अवेलेबल हो जाएंगी 800 में, 800 रुपये की शॉप पड़ने वाली है। इसमें भी काफी अच्छे अच्छे डिजाइन अभी, मतलब डिजाइन तो बहुत ही मिलने वाले हैं, डिजाइन की कमी नहीं है। कलेक्शन यहाँ पर भी है 12-15 के अपने हिसाब से, मतलब लोकेशन के हिसाब से बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये मिलने वाला है। ये 600 में बताई ना हमने, 800 रुपये में ये अवेलेबल होने वाली है। बाकी इससे बड़े बड़े साइज देखो सामने ये भी है, ये भी आप चेकआउट कर लेते हैं। ये भी 800 में है, देखो ये भी 800 में रहने वाला है। कलेक्शन इतना प्यारा है, मतलब बहुत सारे में, पौना साइज है, पौना रहने वाला है। देखो इस तरीके से ये कलेक्शन चेकआउट करो, ये 20 रुपये का भी जाएगा, अभी 20 रुपये का इसको आप आराम से सेल कर सकते हो। ये कलेक्शन है पतंगों में, बाकी पतंग का कलेक्शन ये था। बाकी यहाँ पे सदी भी आपको अवेलेबल होने वाली है, चरखी भी मिलने वाली है, तो वो हम थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं कैसे कैसे रहने वाला है। तो ये सदी कौन सी वाली है भैया? पहले बिग बॉस की 5 रुपये का आप इसको सेल कर सकते हो, और ये पड़ेगा आपको 50 रुपये का डब्बा पड़ेगा। इसमें कितने पीस निकलते हैं? 15 गट्टी निकलने वाली है। देखो इस तरीके से 50 के 75 बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये है, 5 रुपये का आप इसको आराम से सेल कर सकते हो। ये पक्की सदी है, मतलब बच्चों के हिसाब से तो भी बेस्ट है, 5 रुपये में मिल रही है, तो ये कलेक्शन है। बाकी दूसरा इसमें भी मिलने वाला है, इससे बड़े साइज में है, इससे बड़े साइज में देखो सदी अवेलेबल होने वाली है। ये 80 का डब्बा है, 8 का पड़ता है, 20 रुपये का आप इसको सेल कर सकते हो। ये 80 के 200 बनेंगे, मतलब 80 रुपये लगाओगे तो 200 रुपये का आपको ये कलेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। ये है, इसमें भी 15 मिलने वाले, सब में 15 है ना, सब में 10 है। अच्छा इसमें 10 है, सॉरी इसमें 10 रहने वाले हैं। ये वर्धमान है क्या है? ये वर्धमान का लोकल है। अच्छा वर्धमान का लोकल रहने वाला है। 120 के 10 है, 120 के 10 रहने वाले हैं। 12 का लेके 25 रुपये कर दो, 25 रुपये का आपको सेल कर सकते हो। ये कलेक्शन है अभी सदी में, बाकी आपको कलेक्शन इसी टाइप से मिल जाता है, तो सदी आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड पीछे की साइड में देखो खाली आपको चरखड़ी चाहिए ना, तो वो सब आपको ऑप्शन अवेलेबल होने वाले हैं। देखो ये तो पड़ेगा 20 रुपये का। अच्छा ये वाला पड़ेगा 20 रुपये का, ठीक है। 50 रुपये ये 50 रुपये का आप इसको सेल कर सकते हो। ये देखो ये बिकेगा, ये पड़ेगा 25 का, ये 25 का पड़ेगा, ये बिकता 60 रुपये, ये 60 रुपये का बिक जाएगा। उससे थोड़े बड़े साइज में ना, उससे बड़े साइज में ही रहने वाला है। ये बिकता, ये पड़ेगा 35 का। अच्छा ये उससे बड़े साइज में 35 का लेके भी 100 रुपये का, 80 रुपये का आप आराम से इसको सेल कर सकते हो। इसमें ना काफी आपको डिजाइन मिलने वाला है। ये कितने का सेट होता है?
अच्छा कितने भी लो मतलब वही वही रेंज आने वाला है, ठीक है। ये कलेक्शन है, ये कलेक्शन है, बाकी आपको ये प्लास्टिक में भी और जो लकड़ी में भी है वो कलेक्शन भी अवेलेबल हो जाता है। देन सामने से देखो भी पतंग मैंने आपको बेस्ट बेस्ट दिखा दिए हैं, कलेक्शन देख रहे हो, कलेक्शन की कमी नहीं है, बढ़िया भर भर के कलेक्शन डिस्प्ले में लगा हुआ है, वो आप यहाँ से ले सकते हो। पिन्नी में भी देखो जो भी डिजाइन थे बढ़िया बढ़िया वो मैंने आपको डिजाइन दिखा दिए, बाकी देखो कुछ डिजाइन आपको यहाँ पर भी अवेलेबल होने वाले हैं। बाकी आपको पिन्नी में भी कलेक्शन है, देखो इस तरीके से पैक होकर जाता है, बाकी ये भी है। बाकी भी आप डिलीवरी कराते हो, डिलीवरी कराते हो, डिलीवरी कराते हो फिर शॉप पे आना पड़ता है, डिलीवरी का ऑर्डर होता है मोटा। अच्छा डिलीवरी का भी ऑर्डर कर सकते हो, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर सामने आपको डिस्प्ले मिल रहा होगा, कितने का मिनिमम ऑर्डर? 10,000। अच्छा मिनिमम ऑर्डर आप मतलब डिलीवरी करा रहे हो तो कम से कम 10,000 रुपये का आपका ऑर्डर होना चाहिए। बाकी आपको मतलब जो भी डिटेल लेनी है, जो भी कलेक्शन लेना है, स्क्रीनशॉट लेके आप व्हाट्सएप पे आप इनसे बात कर लेना, बाकी उसी हिसाब से आप ऑर्डर ले सकते हो। एंड शॉप पे आओगे तो शॉप पे भी आके आप अपने हिसाब से कलेक्शन चेकआउट करोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी ये कलेक्शन है तो इस तरीके से आपको और भी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई भी डाउट होता है तो भैया से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्ट, बाकी आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो।